हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। और इस वीडियो में मैं दो चीज़ों में बात करने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़ कि IBPS SO Mains HR ऑफिसर का जो एग्ज़ाम हुआ उसका एनालिसिस, और दूसरी चीज़ जो मोस्ट डिमांडिंग है आपको चाहिए कि IBPS SO HR ऑफिसर का कट ऑफ जनरली क्या रेंज में जा सकता है, ठीक है। बट इन दो चीज़ों की ओर मुड़ने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मुझे आपको बतानी है। सबसे पहली चीज़, ये एनालिसिस जो मैंने किया क्या बेसिस पे किया है, कुछ स्टूडेंट्स ने मेरे साथ क्वेश्चन शेयर किए, कुछ ने थोड़ा एग्ज़ाम का लेवल भी बताया क्या था, ठीक है, तो उनके अटेम्प्ट उन्होंने शेयर किए हैं, तो उसका एक ओवरऑल एनालिसिस करके मैं आपके सामने ला रहा हूँ। और मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा जो मेरे पास अवेलेबल है, ये स्ट्रेट वे स्टूडेंट्स ही है, तो इसका पूरा क्रेडिट स्टूडेंट्स को जा रहा है जो इन्होंने मेरे साथ एनालिसिस शेयर किए। सो थैंक यू ऑल जिन्होंने मेरे साथ शेयर किए, एक एनालिसिस बताया क्या था क्या नहीं था वगैरह वगैरह, ठीक है। उसके बाद मैं आपको कट ऑफ बताऊँगा। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये, देखो लास्ट ईयर भी मैंने एक एसओ के लिए एसओ मेंस जब हुआ तो एनालिसिस का दिया था, तो कुछ लोगों ने ऐसे मिले मुझे, एग्री नहीं किए, बहुत सारे भड़के हुए थे मेरे पे। लेकिन जब एनालिसिस मेरा करेक्ट निकला, कट ऑफ बराबर गई, तो उनमें से एक भी नहीं आया पीछे कि हाँ आपका कट ऑफ बराबर था, ठीक है। एक्चुअली फनी इसलिए लग रहा है क्योंकि जब आपको एक्सपेक्टेड नहीं रहता कि ये कट ऑफ जाएगा वो कट ऑफ जाएगा, लेकिन IBPS जब कर डालता है तब तो आपके पास चॉइस नहीं होता अदर देन गेटिंग एग्रीड। तो ध्यान से सुनना, इसका मतलब ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि मेरे कट ऑफ एकदम परफेक्ट रहते हैं, मैं एकदम गॉड हूँ, नॉट लाइक दैट। मैं भी आपको एक पर्टिकुलर तरीके से ही बताऊँगा, बट इन चीज़ों को समझो, इंसान हूँ भगवान भी, ठीक है। कोई यूट्यूबर इतना अफ्रेंडली कहेगा नहीं, बट डेट्स फाइन, बिकॉज स्टूडेंट्स हो तो मैं समझ सकता हूँ, टेंशन रहता है माइंड में। तो मैं इसी तरीके से आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज़, HR में जब कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़े, मैंने बहुत वीडियोस में आपको कहा था कि आप लोग जब कॉन्सेप्ट्स पढ़ो तो सारी चीज़ें पढ़ो, किसने डेवलप की, क्यों डेवलप की, कोई ईयर में डेवलप की, क्योंकि क्वेश्चंस पूछे गए हैं और स्टूडेंट्स कितने बार वही चीज़ें डिस्कस कर रहे, इसका वो किसने इन्वेंट किया, वो डेवलप किसने किया, एंड दिस क्वेश्चंस आर आस्क्ड। So let me just take you quickly to the questions. कुछ questions ऐसे थे, हेलो इफेक्ट पे आया था, ले ऑफ पे था, जॉब इनरिचमेंट पे था, देन स्टे इन स्ट्राइक पे questions थे, देन मोटिवेशनल थियोरी थी, हर्ज़बर्ग्स की टू फैक्टर थियोरी पे था, देन MBTI थियोरी जो थी, ये थियरी आपको पता होगी, बट ये डेवलप फॉर वॉट रीजन डेवलप। देन थ्री टाइप्स ऑफ रोल्स बींग परफॉर्म बाय मैनेजर, इंटरपर्सनल, इंफॉर्मेशनल, डिसीजनल, हु डेवलप दिस कॉन्सेप्ट। वेलफेयर ऑफिसर इज अपॉइंटेड अंडर विच एक्ट, मैक्स लिमिट, मैक्सिमम लिमिट फॉर अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972। मतलब पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट के अंडर मैक्सिमम लिमिट कितनी होती है, वेलफेयर ऑफिसर का बता दिया। देन फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड ऑफ अप्रेजल को दूसरा नाम क्या है, जॉब ग्रेडिंग इज मेथड फॉर व्हाट, ठीक है। तो सेल्फ इफिकेसी पे क्वेश्चंस थे। देन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 अंडर विच सेक्शन, एंड बेसिक क्वेश्चंस वेयर देयर, सम ऑफ देम बेसिक्स, सम ऑफ देम यूज़ किया है, सम ऑफ देम बेसिक क्वेश्चंस वेयर देयर। देखो इस तरीके के क्वेश्चंस मेरे साथ शेयर हुए, तो थैंक यू मेरे साथ शेयर करने के लिए क्वेश्चंस। अभी मैं कुछ चीज़ आपको बताता हूँ, कुछ लोग सिर्फ इसी बात से नाराज़ हैं कि उन्होंने पूछे इसका ऑथर कौन है, इसकी थ्योरी डेवलप क्यों की। मैंने कई वीडियोज़ में आपको बताया है, देखो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट अगर आप पढ़ रहे हो फॉर एग्जाम्पल, तो सिर्फ डेफिनेशन मत पढ़ो, सिर्फ मीनिंग मत पढ़ो, वो तो आप बिना बुक खोले भी बता सकते हो यार, ऑप्शंस तो वैसे भी पांच सामने रहेंगे। लेकिन पढ़ो वो चीज़ इन्वेंट क्यों हुई, या फिर वो किस साल में हुई, ये आपको पढ़ना चाहिए था। मैंने पहले एक वीडियो पूरा देखो, पूरी बात सुनो, क्योंकि ये चीज़ें बेसिक है। मैं ये नहीं कहता 60 में से 60 पॉसिबल थे, पेपर यस लास्ट के कंपैरिजन में थोड़ा चेंज उन्होंने किया, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस उन्होंने इंट्रोड्यूस किए ज़्यादा,
सो स्टूडेंट्स आर मेंशनिंग कलेक्टिवली मॉडरेट लेवल पेपर एंड दैट वेरी डिफरेंट दैन द लास्ट ईयर, आई कंप्लीटली एग्री, लेकिन ये पॉइंट है ये आपको मानना पड़ेगा या आपको इसको सोचना पड़ेगा, कंसर्न को पता होना चाहिए किसने डेवलप की है, या फिर कम से कम ऑप्शंस देखने के बाद तो इलिमिनेट करके आपको पता लगना चाहिए। देखो एक आधा पता नहीं लगता है आई कैन अंडरस्टैंड, बट अगर सारों में नहीं पता लगता है तो आपने सिर्फ कंसेप्ट्स को मीनिंग और डेफिनेशन रट्टा मार के आए हो, रट्टा मार के इन द सेंस पढ़ के आए हो, आपको पता नहीं है, ठीक है। आई एम बीइंग क्वाइट फ्रैंक बट दिस इज हाउ द रियलिटी इज, क्योंकि जब 20 वैकेंसीज निकली थी एचआर की तो आप भी शॉक में थे, तो आपको प्लानिंग भी उसी तरह से करनी पड़ेगी। नाउ इट इज ऑल्सो मेंशन दैट मोर क्वेश्चंस ऑफ वेयर फ्रॉम द एचआर कैटेगरी एचआर पार्ट एंड लेसर क्वेश्चंस वेयर आस्क्ड फ्रॉम यू नो द सेक्शंस वाले एक्ट्स वाले क्वेश्चंस, और एक्ट्स में भी जो पूछे वो सेक्शंस पे थे। मैंने दोनों पॉइंट आप देखो वीडियोस में मैंने कवर किए थे कि सेक्शंस पे फोकस रहना, कौन सा सेक्शन कब आता है, जब चैट में डिस्कस भी किए थे तभी भी मैंने आपको बताया था। तो कुछ स्टूडेंट्स ने ऐसे भी रिपोर्ट किया, उसका फ़ायदा हुआ, उसके वजह से उनके अटेम्प्ट हेल्दी 40s में है। मेन चीज़ हेल्दी 40s का मतलब एक्यूरेसी ज़बरदस्त है। एंड वन कुड ओनली आंसर देम इफ ही और शी हैज़ थोरली स्टडीड द कंसेप्ट। एग्जैक्टली थोरली स्टडीड कंसेप्ट मीन्स सिर्फ कंसेप्ट नहीं, उसके आजू बाजू की चीज़ें। एक फॉर एग्जाम्पल डेमो दे देता हूँ, क्वालिटी सर्कल पता है आपको, शायद कौन सी बुक में क्या डेफिनेशन ये भी पता होगा, बट वो तो हुआ बुकिश नॉलेज, उसके अलावा आपको पता क्या है क्वालिटी सर्कल कब इन्वेंट हुआ, ठीक है। या फिर ऐसा क्वेश्चन है, क्वालिटी सर्कल वॉज इन्वेंटेड ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स, ऑप्शन सामने रहेंगे लेकिन को कहानी बताया गया, कभी भी देखो इंट्रोडक्शन मीनिंग डेफिनेशन ये फॉर्मेट होता है। मुझे पता है आपको ये हर बुक में नहीं मिलेगा, इस बात की मैं पूरी रिस्पेक्ट करता हूँ, मीनिंग डेफिनेशन मिल जाएगा लेकिन इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए आपको क्या। अच्छा ज़रूरी नहीं है कि हर कंसेप्ट की कोई इंट्रोडक्शन हिस्ट्री हो, लेकिन कुछ की होती है जिसकी वजह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये था एक ओवरऑल आपका एनालिसिस मेरे हिसाब से जो आपके क्वेश्चन हैं। आपको और भी कुछ शेयर करना है क्वेश्चन इसके अलावा है तो मुझे ईमेल आईडी भेज दो, ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और अभी कट ऑफ की बात करता हूँ, देखो अटेम्प्ट स्टूडेंट जो शेयर कर रहे हैं हेल्दी 40s में कह रहे, मानता हूँ 40s में टच करते करते आप लोगों ने 3-4 क्वेश्चंस का कैलकुलेटरिस लिया होगा ऑन एन एवरेज, जिसकी वजह से 40 में पहुँच गए हो। 45, 42, 43, 48 अटेम्प्ट भी है, 45 के ऊपर बहुत कम लोगों ने मुझे बताया है, मतलब अभी तक जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 45 और 50 ये जो रेशियो इसके बीच में बहुत कम लोग हैं, 40 to 45 बहुत लोग हैं। लेकिन इसमें दो तरह के स्टूडेंट्स हैं, समवन टोल्ड मी सर मैंने 42 या 43 अटेम्प्ट किए, 99% एक्यूरेसी, मतलब 42-43 मतलब 40 तो करोड़ उनके हेरेंगी, ठीक है। ये एक्यूरेसी सिर्फ आप जानते हो, देखो अटेम्प्ट तो आपके सामने है, अभी पीसी पे दिख जाता है कितने अटेम्प्ट किए आपने, लेकिन एक्यूरेसी कितनी है, आई मीन कितने क्वेश्चन आपके लगभग कर रहे आपको पता होना चाहिए, क्योंकि तुक्के मारने की भी एक लिमिट होती है, कैलकुलेटिव तुक्के। वट आई फील द कट ऑफ शुड बी, इट शुड लाई अराउंड 28 to 33, मैं इस रेंज के हिसाब से बात कर सकता हूँ 28 to 33। देखो दो चीज़ें कंसिडर कर रहा हूँ मैं, एक पेपर अगर डिफ़िकल्ट गया स्टूडेंट्स को तो अटेम्प्ट स्टूडेंट्स के सफ़र हो गए, शायद एक्यूरेसी सफ़र हो जाए, लेकिन एक्यूरेसी अगर अच्छी निकली स्टूडेंट्स की और स्टूडेंट्स में आप भी आते हो तो एक थोड़ा है। दूसरी चीज़ जो सबसे शॉकिंग चीज़ थी, एचआर की वैकेंसी 20 है और एक गेम देखो प्री में कुछ बच्चों को उड़ा दिया, ठीक है, इन शॉर्ट क्लियर नहीं हुए, अब मेंस में कुछ बच्चों को निकाल देंगे, इंटरव्यू में भी कुछ बच्चों को निकाल देंगे, यानी हर स्टेज में नॉकआउट तो करना है कुछ स्टूडेंट्स को, तो ये इसका मद्देनजर रखते हुए आई थिंक इसके आसपास ही यहाँ पे कट ऑफ रहना चाहिए एंड इसके आसपास आप हो सेफ हो तो मेरे हिसाब से ये शुड बी इन द गेम, बट अफेक्ट होगा क्योंकि देखो प्री में लास्ट टाइम 60 था कट ऑफ, अभी कुछ 67 कुछ आया है, ठीक है, प्री भी थोड़ा उन्होंने शॉक दिए थे एज पर स्टूडेंट्स मैंशन, तो इसमें भी थोड़ा बहुत मैंने लग रहा है ऊपर नीचे होने के चांसेस है। सो आपके अटेम्प्ट तो मुझे पता है 40 तो कैसे ना कैसे पहुँचे ही है, सो इफ़ यू हैव डन वेल स्टार्ट प्रिपेयरिंग, मैं तो कहता हूँ रुको ही मत 4 या 5 तारीख का,
प्रिपरेशन स्टार्ट करो, मैं इंटरव्यूज़ के वीडियो लेके आऊँगा। आपको भी कुछ इंटरव्यूज़ के बारे में बताना है तो डेफिनेटली आप मुझे मेरी ईमेल आईडी पे बता सकते हो। तो अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।